सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमलेश कार एक्सेसरीज। सो आज संडे है और आज आपके सामने ये काम चल रहा है जो कि एक एक्सएल सिक्स आई टेन ग्रांड इको जो कि बी एस सिक्स मॉडल ओल्ड स्कॉर्पियो और यहाँ पर है नियोस आई टेन ग्रांड नियोस और ये सभी गाड़ी यूट्यूब से आई हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या वर्क है। तो वो यहाँ पे एक्सएल सिक्स में रूफ कैरियर और वो सब वगैरह यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक्सएल सिक्स में क्या वर्क है। तो यहाँ पे स्टेयरिंग कवर और मैटिंग का वर्क स्टार्ट है, आप देख सकते हो। इसमें बीच में हम बेबी सीट भी लगाने वाले हैं, उसका भी मैं आपको दिखा दूँगा व्यू। और यहाँ पे टेवलॉन कोटिंग है और बहुत सारा काम है इसमें भी। यहाँ पे दूसरी गाड़ी पे चलते हैं तो यहाँ पे आई टेन ग्रांड है। आई टेन ग्रांड में एंड्रॉयड स्टीरियो का वर्क स्टार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अब आएंगे तीसरी गाड़ी पे, तो तीसरी गाड़ी जो इको है बी एस सिक्स मॉडल, इसमें आप देख सकते हो कि सीएनजी का वर्क स्टार्ट है जो कि सीएनजी उतारा गया है। नीचे शिफ्टिंग का वर्क स्टार्ट है, यहाँ पे लेदर मैटिंग भी हमने लगाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने प्रॉपर तरीके से हमने लगाई हुई है। और हाँ गाइस, हम जो लगाते हैं वो डबल लेयर वाली लगाते हैं जो कि डबल स्टिचिंग वाली रहती है। तो बहुत ही अच्छा मटेरियल है और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलने वाला मटेरियल है। तो इस वाली इको में बहुत ही सारा वर्क है जो कि आप देख सकते हो कि अभी क्रोम कुछ लगाया हुआ नहीं है, तो इसमें क्रोम किट भी हम लगाने वाले हैं। यहाँ पे फ्रंट गार्ड हमने इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हो, यह फ्रंट गार्ड भी हमने अभी इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसका भी मैं आपको रेपर खोल के दिखा दूंगा। और यहाँ पे हम फॉग लैंप भी इंस्टॉल करने वाला है, तो फॉग लैंप भी यहाँ पे अभी तो लगे हुए नहीं है पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि एलईडी एंजल लाइट जो हम लगवाते हैं वो। यहाँ पे स्टेयरिंग कवर भी रैप हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी मैटिंग का वर्क स्टार्ट है, आप देख सकते हो कि मैटिंग नहीं लगाई है तो कितनी धूल और मिट्टी है। तो यहाँ पे पूरा क्लीन होगा, फिर बाद में ही हम मैटिंग बिछाएंगे जो कि प्रॉपर तरीके से हम बिछाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ओल्ड स्कॉर्पियो भी खड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या वर्क है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे क्रोम हैंडल्स हमने लगाई हुई है, विंडो गार्निश भी हमने लगाया हुआ है। ये ओल्ड स्कॉर्पियो में हम पीछे बम्पर भी इंस्टॉल करने वाले हैं और यहाँ पे फ्रंट में भी बम्पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि उसका भी मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा कि कौन सा बम्पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं। अभी तो फिलहाल कोई इंस्टॉल किया हुआ नहीं है। तो दोस्तों, आप इस गाड़ी का भी नंबर नोट कर लो, GJ20A9598। तो बहुत ही दूर से गाड़ी आ चुकी है दाहोद से और यहाँ पे ये इको भी काफ़ी दूर से आई हुई है, सिर्फ मॉडिफिकेशन करवाना है। ये गुजरात की ही गाड़ी है, वडोदरा की। और यहाँ पे जो एक्सएल सिक्स हमने जो एसेसरीज के लिए लगवाई है वो भी दाहोद से आ चुकी है। तो यानी आप गाइस का वर्क देख सकते हो कि कितनी प्रॉपर तरीके से हमारे वहाँ वर्क होता है। तो आप भी आइए, जो कि आपकी गाड़ी में भी कुछ भी करना हो, यानी वो ओल्ड कार हो या न्यू कार, तो हम सभी तरह की एसेसरीज इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो GJ20AH9040। तो ये भी बहुत ही दूर से आई हुई है गाड़ी एक्सेल से। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि नियोस है, वो भी गुजरात की गाड़ी है, तो उसमें भी वर्क स्टार्ट है। GJ06EG8006, तो इसमें भी वर्क स्टार्ट है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि बहुत सारी गाड़ियाँ लग चुकी है, सभी गाड़ियों में फुल मॉडिफिकेशन का वर्क स्टार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीट कवर और मैटिंग का वर्क स्टार्ट है, यहाँ पे डोर गार्ड, डोर वाइजर और वो सब चीज़ है। और जो सीट कवर है वो भी ब्लैक और रेड स्टिच वाला है, तो यानी इसका भी लुक बहुत ही बढ़िया आने वाला है, क्योंकि हीट रिजेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी फिल्म रहती है। और यहाँ पे क्रोम इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हो, ये डेलाइट का क्रोम है, ये यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पे दूसरा क्या क्या मॉडिफिकेशन होने वाला है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रोम की प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है। और यहाँ पे फ्रंट गार्ड का एक लुक भी आप देख सकते हो कि कितना रही है, जो गार्ड लगाया हुआ है हमने फुल्ली गारंटेड है, इसमें कोई जंग बंग नहीं लगेगा और फिटिंग का भी कोई इश्यू नहीं आएगा, उसकी भी गारंटी। और यहाँ पे आपको मैं क्रोम किट दिखाऊँ तो इसमें हमने पहले तो यहाँ पे हेडलाइट का किया हुआ है, फॉग लैंप हमने लगाए हुए है, जो फॉग लैंप क्रोम है, फॉग लैंप अभी लगना बाकी है, बाकी ये फॉग लैंप क्रोम, क्रोम का पूरा वर्क खत्म हो चुका है, अभी फॉग लैंप लगाना बाकी है इसमें। तो यहाँ पे क्रोम किट लगा दिए है, यहाँ पे मिरर भी इंस्टॉल कर दिया है जो कि मिरर क्रोम रहने वाले हैं, वो भी इंस्टॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे इंडिकेटर भी इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो कि क्रोम है
वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। पहले ब्लैक आता था, अभी पूरा क्रोम कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई इंफ्रारेड सन रिजेक्टर फिल्म भी हमने इंस्टॉल की हुई है, वो भी लाइट शेड में। और यहाँ पे टेल लाइट पे भी क्रोम आ गया है, जो कि नंबर प्लेट पे भी क्रोम आ गया है इको लिखा हुआ, और जो टेल लाइट है उस पर भी क्रोम आ चुका है। तो यहाँ नहीं, बहुत ही क्रोम लगने से इको का लुक बहुत ही बढ़िया हो जाता है गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम हर गाड़ी में जो कि कंपनी जो साइड पे देती है ब्लैक और सिल्वर वाला स्टेप, तो हम रियर में भी हम लगाते ही है। सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छा है गाइस, और जो अंदर सीटें हमने लगाई हुई है तो उसमें भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सीटें हमने लगाई हुई है तो यहाँ के सके स्टेप है, तो यहाँ पे चढ़ के हम ऊपर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीट भी 2x3 वाली इंस्टॉल की हुई है, यानी अभी तो सामान पड़ा हुआ है तो खुलेगी नहीं। बाकी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है ये वाली भी, यानी 3 लोग आराम से आ जाएंगे इस सीट में, और यहाँ पे 3। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि CNG सिस्टम भी हुआ है, तो इसका भी मैंने आपको वीडियो बताया हुआ था। तो यहाँ पे ये जो कंपनी का जो CNG का किट है वो हम कस्टमर को वापस दे देते हैं, और जो CNG है वो कम्प्लीटली फिटिंग हो जाता है, यानी आप देख सकते हो जैसा कंपनी का था वैसा ही फिटिंग हो जाता है। और हाँ गाइस, एक मेन चीज़ बता दूँ, इसमें कोई कंपनी की वारंटी गारंटी अवॉइड नहीं होती। तो काफ़ी लोग का सवाल होता है कि यानी हम बाहर से ऐसा करवाया तो कंपनी का वारंटी अवॉइड हो जाएगा, नहीं गाइस, ये पूरा सॉकेट टू सॉकेट ही रहता है, इसमें कोई कंपनी की वारंटी अवॉइड नहीं होती। यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने जो लॉक है वो भी इंस्टॉल किया हुआ है, फिटिंग भी प्रॉपर तरीके से आता है। और हाँ गाइस, इसका मैं भी बता दूं कि कंपनी की इसमें भी कोई वारंटी गारंटी अवॉइड नहीं होती। ऑयल्स की भी आप क्वालिटी देख सकते हो गाइस कि कितनी प्रॉपर तरीके से आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मड फ्लैप है वो ऑरेंज कलर में फिटिंग हो रहा है, ये देख लो, यहाँ पे ऑरेंज कलर में ये हॉकी मड फ्लैप। ये मड फ्लैप इसके लिए आते हैं क्योंकि जो गाड़ी है उसको क्लीन रखे और जो कीचड़ है वो डायरेक्ट नीचे आ जाए, तो इसके लिए ये मड फ्लैप लगाने का रहता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हम एम्पलीफायर वूफर भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी आप देख सकते हो यहाँ पे ये अभी वायरिंग बाकी है तो वायरिंग भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो प्लेयर है वो हमने कंपनी का प्लेयर रिमूव करके ये जो एंड्रॉयड प्लेयर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हो। दोस्तों आज ये वाली इको में हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन वर्क किया हुआ है वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने क्या क्या इसमें वर्क किया हुआ है। तो साइड ऑफ पोर्शन में तो हमने ऊपर रूफ रेल्स इंस्टॉल किए हुए हैं, आप देख सकते हो प्योर ब्लैक कलर के रूफ रेल्स इंस्टॉल किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्रोम हमने लगाया हुआ है, जो कि हैंडल और हैंडल बाउल दोनों पे हमने इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे जैसे साइड स्टेप लगे हुए थे वैसे ही हमने रियर में भी साइड स्टेप हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, यानी आप देख सकते हो कि कितने हैवी ड्यूटी वाला है। तो यहाँ पे स्पॉइलर भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है विद इंडिकेटर वाला, तो यहाँ पे आपको रेड लाइट और जो इंडिकेटर लाइन है वो दोनों दिख जाएगी। तो ये भी पूरे अच्छी तरीके से लगाए हुए हैं, और जो कि ऑरेंज कलर में है, इसलिए आपको कलर मिल जाएंगे, ब्लैक कलर, ब्लू कलर और ऑरेंज कलर, तीनों तीन कलर अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ पे क्रोम किट भी आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से हमने लगा दी है। यहाँ पे मिरर्स भी हमने लगाए हुए हैं, और जो इंडिकेटर्स है उसका भी आप लुक देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से हमने लगाए हुए हैं। यहाँ पे फ्रंट लुक की मैं बात करना चाहूँगा तो फ्रंट लुक में भी हमने जो हेडलाइट है उसमें भी हमने क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है, जो फॉगलाइट है उसमें भी इंस्टॉल किया हुआ है। और यानी फॉगलाइट का भी मैं आपको विजन दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो कि ये फॉगलाइट, और इसका भी विजन बहुत ही पावरफुल है गाइस। और इसमें भी 2-3 तरह की अलग अलग क्वालिटी हमारे पास अवेलेबल रहती है। यहाँ पे फ्रंट गार्ड की मैं बात करना चाहूँगा तो फ्रंट गार्ड भी बहुत ही अच्छा है और प्योर ऐसे हैवी ड्यूटी में रहने वाला है, तो इसमें जंग बंग भी नहीं लगेगा। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमने इंटीरियर में वर्क किया हुआ है वो इंटीरियर में आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसका भी आप फिटिंग देख सकते हो कि कितनी प्रॉपर तरीके से हमने लगाया हुआ है, और ये फुल IPS डिस्प्ले विद गोरिल्ला ग्लास। और अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इको है वाइट कलर की वो तिलकवाड़ा से आई हुई है, स्पेशली मॉडिफिकेशन करवाने। और प्लेयर की मैं बात करना चाहूँगा, बहुत ही स्मूथ प्लेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है, ये देख लो गाइस, इसकी वॉइस क्लियरिटी, जो इसका आउटपुट है, जो वीडियो क्लियरिटी है बहुत ही अच्छी है। और इसमें आप ऑनलाइन मैप और जो YouTube प्ले स्टोर है वो सभी तरीके से आप चला सकते हो। और हाँ गाइस, इसमें 2GB एंड 16GB की रैम में रहता है।
क्लियर और बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज आप हेडफोन यूज करें। और यहाँ पे टोटली एसेसरीज, कंप्लीट कार एसेसरीज दी हुई है। तो वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारी कंप्लीट कार एसेसरीज को। थैंक यू सो मच।